नमस्कार दोस्तों, आज हम डार्सी वेसबैच इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे और यह टॉपिक जो है वह है फ्लो थ्रू पाइप का पार्ट है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल है। यहाँ से हमारा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर्वप्रथम हम डार्सी वेजबैच इक्वेशन में जाएं, उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि लैमिनार फ्लो क्या होता है। दोस्तों, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है किसी पाइप में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जब एक ही स्ट्रेट पाथ पे चले, तो हम इस तरह के फ्लो को लैमिनार फ्लो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ एक पाइप का, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पार्टिकल है वो सीधे स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने आर्मी परेड में देखा होगा, आर्मी परेड में लोग बाग जो सैनिक होते हैं जो हमारे, वो एकदम स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं। तो अगर हम उस एग्जांपल से कोरिलेट करें इसके, तो ये वो एक लैमिनार फ्लो होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स एकदम फिक्स पैटर्न में स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, तो हम इसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो जो होता है वो, जैसे कि अगर हम देखा जाए, जब एकदम कोई एकदम जो जिसका डायमीटर बहुत कम हो, जैसे कि हमारे जब हमारे जो वेंस है उसमें जब ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें जब ब्लड फ्लो होता है तो वो जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, क्योंकि उसमें डायमीटर बहुत कम होता है, तो पार्टिकल ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है टर्बुलेंट फ्लो। अब जैसे कि लैमिनार फ्लो में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो एक स्मूथ पाथ पे फॉलो कर रहे हैं, बट टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल्स है वो स्मूथ पाथ को फॉलो नहीं करेंगे और एक दूसरे साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि जो रियल लाइफ में जितने फ्लोज होते हैं, मोस्ट ऑफ वो टर्बुलेंस ही होते हैं। जैसे कि कोई भी फ्लो हम ले लेते हैं, चाहे वो नॉर्मली नदी का फ्लो ले लें या कोई और फ्लो ले लें, ठीक है, तो उसमें जो फ्लो होंगे वो होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ दी, यहाँ पे एक पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है, और इसमें जो पार्टिकल है वो ऐसे जिग जैग जैसे सांप चलता है लहरा लहरा के, उस तरह से ये जिग जैग को पाथ पाथ को फॉलो करता है, तो इसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नाउ अगला है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर से एक एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके जरिए हम मेनली ये फाइंड करते हैं कि जो लिक्विड है वो लैमिनार है कि टर्बुलेंस है। ठीक है, तो लैमिनार जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है वो है रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो ए वी इंटू डी बाई म्यू, जहाँ रो है हमारा डेंसिटी, वी है हमारा एवरेज वेलोसिटी, डी है उस पाइप का डायमीटर, और म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसके जरिए हम फाइंड करेंगे कि जो फ्लो हो रहा है वो लैमिनार है कि टर्बुलेंस है। ठीक है, तो अब इसमें क्राइटेरिया क्या, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया एक पाइप का, ये डायमीटर डी दिया हुआ है, इसमें से ये लिक्विड बह रहा है जिसका वेलोसिटी वी है, तो यदि 2000 से कम है तो वह लैमिनार होगा, और यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया, गलत है, ये 4000 पे, और यदि रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक है तो टर्बुलेंस होता है। तो 2000 से ऊपर, ठीक है, 2000 से ऊपर और 4000 से जो बीच वाला रेंज होता है वो ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेज मतलब होता है कि वह लैमिनार से टर्बुलेंट की ओर ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो परिवर्तन हो रहा है। तो रेनॉल्ड नंबर को एक और तरीके से व्यक्त करते हैं, इसको अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो रेनॉल्ड नंबर को एक और तरीके से व्यक्त करते हैं, उसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये ऐसे हम बी बाई डी डिवाइडेड बाई म्यू बाई रो। तो म्यू बाई रो हमको पता है क्या होता है, म्यू बाई रो होता है हमारा काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई रो हो जाएगा हमारा, म्यू बाई रो हो जाएगा ये वाला आपका काइनामेटिक, इसको बोलते हैं हम
काइनामेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था बेसिक चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे। तो मी बाई बाई रो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बी होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है डार्सी वेज बैच इक्वेशन फॉर फ्रिक्शन लॉस। डार्सी वेज बैच इक्वेशन क्या है? डार्सी वेज बैच इक्वेशन जो है वो मेनली हमको जो फ्रिक्शन लॉस है उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, किसी पाइप में जब कोई लिक्विड बहता है तो उसमें जो फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास पाइप है, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक पाइप है मेरे पास, मैंने इसको डायग्राम बना दिया है। ठीक है, ये पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। इसमें हमने दो सेक्शन ले लिए हैं, सेक्शन वन एंड टू। ठीक है, और सेक्शन वन एंड टू, और इसके बीच मैंने एक सेक्शन लिया हुआ है, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ एक सेक्शन को कंसिडर कर लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे सेक्शन वन एंड टू के बीच ये छोटा ये सेक्शन ले लिया। इस सेक्शन का जो पूरा लेंथ है वो है एल। ठीक है, तो जो सेक्शन वन है उसका प्रेशर है, मैं मान लेता हूँ वहाँ पे प्रेशर है पी वन, सेक्शन टू का प्रेशर है पी टू। ठीक है, और ये जो पाइप का डायमीटर है वह पूरे डायमीटर मतलब जो पाइप है वो पूरे का डायमीटर कैपिटल ए स्मॉल डी है। ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप है, मतलब ये कह रहा है कि इसके डायमीटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जो फ्लो हो रहा है वो किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, चूँकि पाइप स्मूथ है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी वी होगा और यहाँ पे भी वी ही होगा, इन इनलेट और इनलेट आउटलेट दोनों सेक्शन पे ही वी होगा, जैसे भी मैं बताऊंगा नीचे कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पाइप है जिसमें मैंने सेक्शन लिया है। अब जब कोई लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि लिक्विड इस दिशा से फ्लो होगा, तो क्या होगा अंदर में, ये इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लिक्विड के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो होता है वो जो लिक्विड की गति है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब सर्वप्रथम हम इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम सेक्शन वन और टू के बीच बर्नौली थ्योरम को लगाएंगे। तो सेक्शन वन और टू के बीच बर्नौली थ्योरम क्या होता है, पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन, ठीक है, इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी, पी टू बाई रो जी वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एफ। ठीक है, अब यहाँ पे पी वन बाई रो जी, ठीक है, पी वन क्या है आपका प्रेशर एट सेक्शन वन, वी वन है मैंने बताया वी वन मान लेते हैं हम वेलोसिटी है एक सेक्शन वन का, जेड वन क्या है ये जो सेक्शन वन का जो लोकेशन है वो रेफरेंस पॉइंट, जैसे अपन धरती यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है जेड वन है। ठीक है, इसी तरह पी टू सेक्शन टू का प्रेशर है, वी टू बाई सेक्शन टू का वेलोसिटी है, जेड टू है ये जो है इसका यहाँ का हाइट। ठीक है, एच एफ क्या है, अब एच एफ ये जानने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने जब मैंने बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन किया था तो वहाँ पे मैंने एच एफ को यूज़ नहीं किया हुआ था, बट यहाँ पे मैं एच एफ को लिखा हूँ। तो इस केस में हम एच एफ क्यों ले रहे हैं, इसीलिए होता ही है, देखिए जब आइडल केस होता है, ठीक है, आइडल केस जब होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लॉसेस को नेगलेक्ट कर देते हैं बर्नौली थ्योरम में। ठीक है, आइडियल केस में क्या होगा, हम यहाँ पे एच एफ को नेगलेक्ट कर देते हैं, कब, जब आइडियल केस होता है, जब आइडियल केस होता है तब वहाँ पे हम एच एफ को नहीं लेते, हम सिर्फ ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी है ये बस लेते हैं। ठीक है, बट जो एक्चुअल केस होता है जब लॉसेस को कंसिडर किया जाता है तब जो राइट हैंड टर्म है वहाँ पे हम एक और टर्म को यूज़ करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉस, जो लॉसेज हो रहे हैं हमको उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एच एफ को इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, समझ में आया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि चूंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो जेड वन जेड टू दोनों सेम होगा, जेड वन जेड टू सेम होगा तो ये घट के कट जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि पाइप का डायमीटर सेम है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, अब इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में यदि मैं पाई बाई फोर एरिया की जगह पाई बाई फोर डी स्क्वेयर वी वन इज इक्वल टू डी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा पाइप का डायमीटर डी है,
है, पूरा पाइप का डायमीटर डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, तो यहाँ पे भी मैंने डी रखा, और जो दूसरा वाला एरिया है यहाँ पे भी मैंने डी रखा, तो क्या होगा, ये डी डी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वी वन इज इक्वल टू वी टू, मतलब वी वन इज इक्वल टू वी टू, हम इसको क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं वी मान लेते हैं, ठीक है, तो वी वन और वी टू क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो मैंने क्या किया, अब इस बर्नौली थ्योरम में मैंने क्या किया है, इसी सारी वैल्यू को रख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है, जेड वन जेड टू भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, पी वन बाई रोज इज इक्वल टू पी टू बाई रोज ई प्लस एच एफ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एच एफ इज इक्वल टू पी वन बाई रोज ई माइनस पी टू बाई रोज ई, ये मुझे क्या मिला है, एच एफ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला जो इसमें है हमको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये निकाला गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, इसी साइंटिस्ट के द्वारा फाइंड किया गया है, तो इसको हमने बुक में भी डायरेक्टली लिखा है, उसको हमने डायरेक्टली लिखा है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इंटू पर यूनिट वेटेड एरिया, एक पर यूनिट वेटेड एरिया इंटू पर यूनिट वेलोसिटी इंटू। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का हमें डायरेक्ट साइंटिस्ट ने फॉर्मूला को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपका एफ वन इज इक्वल टू एफ डॉस इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ है हमारा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वे एरिया पर यूनिट वेलोसिटी वेटेड एरिया इंटू इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर, ये एक्चुअली डायरेक्ट साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट वो डायरेक्टली फाइंड किए हुए हैं, तो ये डायरेक्टली इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये हम डायरेक्टली इसको फॉलो करते हैं। अब वेटेड एरिया क्या होता है, देखिए जब कोई लिक्विड बहता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि ये कोई पाइप है ना, ये कोई पाइप है और इसमें से लिक्विड बहेगा, ठीक है, तो बहेगा तो क्या होगा, ये पूरा इसके अंदर जो पूरा पाइप का जो इंटरनल है पूरे कॉन्टैक्ट में आएगा इंटरनल सरफेस के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसे इसका पैरामीटर कितना हुआ, इसका पैरामीटर होगा पाई इंटू डी, ठीक है, पूरा जो सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, पाई इंटू डी इंटू लेंथ, मतलब ये फ्लो आपका बिगनिंग से लेके पूरे पाइप में बह रहा है, तो पूरा लेंथ, तो पाई डी इंटू लेंथ को हम लेते हैं, ये पाई डी एल इसी को ही लिया गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्सेस को फाइंड करेंगे, सेक्शन वन टू और जो पूरे पाइप में फोर्स लग रहा है उसे हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे जो अब हमने जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये जो डायग्राम है ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर ऐड कर रहा है, सेक्शन वन पे प्रेशर ऐड कर रहा है, सेक्शन टू पे प्रेशर ऐड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम फोर्स को फाइंड करेंगे, तो फोर्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रेशर फोर्स, मतलब सेक्शन वन पे कितना फोर्स लग रहा है, सेक्शन वन पे कितना फोर्स लगेगा, हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, सॉरी गलत हो गया, हमको पता है क्या होता है, हमको प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो प्रेशर और एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, सेक्शन वन पे हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर जो सेक्शन वन पे प्रेशर लग रहा है और एरिया का मल्टीप्लाई, सेक्शन टू पे हम फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, टू और इसका मल्टीप्लाई जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये इधर आपका फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्लो हमेशा जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के हो जाता है, तो जो पी वन था वो हमारा क्या था, वो ज़्यादा प्रेशर का था। ठीक है, पी वन जो था वो ज़्यादा प्रेशर था, तो पी वन इज वाज ग्रेटर देन द पी टू, सो फ्लो वाज लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड के फोर्स को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे फोर्स को फाइंड किया, ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स को फाइंड किया, ये कितना मिला, पी वन इंटू ए, यहाँ पे फोर्स को फाइंड किया पी टू इंटू ए। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसे लग रहा है, वो आपका लिक्विड की जो गति है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहा है, तो इसको मैंने क्या लिया, एफ वन। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ये मिलेगा हमको पी वन इंटू ए, ठीक है, माइनस पी टू माइनस ए वन, क्योंकि ये कैसे लग रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन की ओर लग रहे हैं, ये आपके राइट
लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर लग रहे हैं, तो ये मैंने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एफ वन ए, एफ वन बटे ए मेरे को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वन इज इक्वल टू मेरे को ये इक्वेशन मिला हुआ है, मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी होता है, ये हमारा होता है पैरामीटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिधि। तो मैंने क्या किया, ये जो पाई डी की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे पी को रख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो अब मेरे को ये इक्वेशन जो मिला हुआ है कहाँ से, ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, ये जो इक्वेशन मिला हुआ है यहाँ से मेरे को क्या मिला, एच एफ इज इक्वल टू पी वन बाई रो जी माइनस पी टू बाई रो जी मिला हुआ है, तो मेरे को क्या मिलेगा, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू रो जी एच एफ मिल जाएगा। तो अब यही रो इस इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी वन बाई पी टू को मैं क्या करूँगा, रो जी एच एफ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो रो जी एच एफ इज इक्वल टू एफ डैस पी एल बी स्क्वेयर बाई, ये राइट हैंड टर्म मिला मेरे को है। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा, एच एफ इज इक्वल टू एफ डैस पी एल वी स्क्वेयर बाई रो जी इंटू ए, रो जी वाला पोर्सन यहाँ चला गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा, कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, ये क्या हो जाएगा, जो एफ डैस बाई रो जी उसको मैं अलग लिख दिया। ठीक है, अलग मतलब अलग करके लिख दिया, एफ डी बाई रो जी इंटू पी बाई ए, पी बाई को मैंने अलग लिखा इंटू एल वी स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको जैसे पी पी बाई ए, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पी बाई ए पी बी ए पी बाई ए, पी क्या हो गया हमारा पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर का मतलब मैंने बताया कि जब, अभी मैंने बताया है जब क्या होता है, जब लिक्विड पाइप में बहता है तो इंटरनल सरफेस को पूरा कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, तो उसको हम पूरा वेटेड पैरामीटर बोलते हैं, ए आपका एरिया है, तो पैरामीटर क्या होगा हमारा, पाई बी पाई इंटू डी, एरिया क्या होगा, पाई बाई फोर स्क्वायर इंटू डी। तो हमको पता है क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एरिया पाई बाई फोर स्क्वायर डी होता है और पैरामीटर होता है पाई डी, इसको जब सिंपली करूँगा तो मैं क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे को, फोर बाई डी मिल जाएगा। अब इसी फोर बाई डी को मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मैं क्या मिलेगा, एच एफ इज इक्वल टू एफ डैस बाई रो जी इंटू फोर बाई डी इंटू एल वी स्क्वेयर। ठीक है, तो एफ डैस बाई रो जी इंटू फोर एल वी स्क्वेयर बाई डी मेरे को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको थोड़ा सा और एक चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये क्या है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है कि एफ डैस बाई रो इज इक्वल टू हमको एफ बाई टू से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट लोगों ने डायरेक्टली फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इसको डायरेक्टली लेके ही चलेंगे, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, तो फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या होगा, मैं क्या किया हूँ, एफ डैस बाई रो एफ बाई टू से रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं सीधा एफ बाई टू से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, एफ बाई रो से, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे जब मैं पूरा इक्वेशन मेरे को सॉल्व करने के बाद इसको क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी एड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो इस एफ को हम क्या बोलते हैं, इस हब एफ को हम क्या बोलते हैं, इस एफ को हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशियंट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि यही यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशियंट। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो एफ है, ठीक है, जो सोम एंड विश्वास की बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी एफ लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी एफ लिया हुआ है, तो सी एफ भी सही है, सी एफ इज सी एफ जो है वो आपका फ्रिक्शन कोफिशियंट होगा या कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, लेकिन चूंकि हमारी बुक में यहाँ पे एफ लिया हुआ है तो मैं भी यही लेके चल रहा हूँ। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एच एफ इज इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक और फैक्टर आता है, क्या होता है वो, इस फोर एफ को हम एक दूसरे टर्म से रिप्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, इस डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर को जो हर बुक में अलग अलग लिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो बुक है आर के बंसल, उसने यहाँ पे एफ ले लिया है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे एफ लेना उचित नहीं है तो मैंने लैम्डा को ले लिया हुआ है। ठीक है, जो सोमेन विश्वास की बुक है उसमें कोई दूसरा सिंबल लिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल लिए, तो मैंने अपने समझने के लिए यहाँ पे इसको लैम्डा ले लिया, तो मैं इस फोर एफ को मैंने क्या किया है, लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। याद रखिए, ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है,
यह है हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, बट जो एफ है, ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन कोफिशेंट है या कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है, याद रखिए दोनों में बहुत फ़र्क है, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे यहीं पे गलती होगा, तो जो क्या दिया है आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में दिया हो गया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं 4F की जगह क्या करूँगा, लैम्डा रख दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एच एफ इजिकल टू लैम्डा एल वी स्क्वायर बाई 2GD, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब अगला है हमको, अब कुछ रिलेशन है जो हमको याद रखने पड़ेंगे, क्या रिलेशन है, चूँकि ये चैप्टर के सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं डिराइव करके नहीं बताऊंगा, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि अब ये कैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैम्डा हमने निकाला हुआ है, ठीक है, इसका रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, कि यदि लैमिनार फ्लो है, ठीक है, तो जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है उसका रिलेशनशिप होता है 64 बाई रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, 64 बाई रेनॉल्ड नंबर, कैसे, जैसे कि पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले रेनॉल्ड नंबर फाइंड करूँगा, ठीक है, न्यूमेरिक, यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम आया, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम आया, इसका मतलब क्या, वो लैमिनार फ्लो है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लैम्डा को निकालूंगा, ठीक है, लैम्डा को निकालूंगा, तो मुझे जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उसको मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तब उसे मुझे हेड लॉस मिलेगा, ठीक है। ये किस केसेस की है, जब आपका, जब हमें एफ़ की वैल्यू ना दी हो या लैम्डा की वैल्यू ना दी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको यही रेनॉल्ड नंबर से ही इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू 4F होता है, तो यहाँ पे यदि मैं 4F रखूँगा 64 बाई रेनॉल्ड नंबर, तो एफ़ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ़ इज इक्वल टू 16 बाई रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह टर्बुलेंट फ्लो का एक इक्वेशन होता है, वो होता है एफ़ इज इक्वल टू 0.00079 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर की घात 1/4। तो जब टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 हो, ठीक है, तब हमें क्या रहेगा, ये हमें तब हमको मिलेगा, तब वो रेलेंट टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, तो उस केस में हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब मैं क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, दो न्यूमेरिकल, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हम समझेंगे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने एक किताब का है मेरे पास, उसका न्यूमेरिकल सोमय विश्वास का एग्जाम्पल है, सोमय विश्वास का प्रॉब्लम ये कि SAE 10 ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप लाइन एट वेलोसिटी ऑफ 1.0। ये कोई ऑयल है, ठीक है, जिसका नाम है SAE 10, ठीक है, उस वो एक पाइप में बह रहा है कितने वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से, पाइप की लंबाई है 45 मीटर, ठीक है, एंड डायमीटर 150 mm, जो पाइप की लंबाई वो कितनी है, वो है 45 मीटर और उसका डायमीटर है 150 mm, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, हमको हेड लॉस निकालना है फ्रिक्शन के कारण, रो की वैल्यू है 869 kg/m³, ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.0814 kg/s, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सारे डाटे दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये सोमय विश्वास का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो हम लैम्डा जो यूज़ करते हैं उसने एफ़ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूले जो एफ़ की जगह मैं दूसरा वो अपना फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ एच एफ इज इक्वल टू लैम्डा एल वी स्क्वेयर बाई 2GD, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में कि इसने क्या किया, इसने जो ये जो यहाँ पे है, ठीक है, ये जो हमने क्या किए थे, जो सोमन विश्वास का प्रॉब्लम है वो क्या किया है कि जो एफ़ की जगह वो CF यूज़ करता है, ठीक है, और ये 4CF की जगह उसने क्या कर दिया है, एफ़ को यूज़ कर दिया, जहाँ पे मैंने लैम्डा को यूज़ किया। तो ये जो है फॉर्मूला, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये आपका है लैम्डा एल वी स्क्वेयर बाई 2GD, यहाँ से सॉल्व होगा। तो इस एफ़ के साथ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू दी है, इसलिए मैंने सिंबल को अलग यूज़ किया हुआ। तो सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को ये पहले ये निकालना पड़ेगा कि लैमिनार है कि टर्बुलेंस फ्लो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर से निकालूंगा। तो डेंसिटी दिया है 869, ठीक है, वेलोसिटी 1 दिया हुआ है, अब डायमीटर, डायमीटर कितना है, 150 mm, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 0.15 मीटर होगा। अब म्यू की वैल्यू दी हुई इतनी रख दिया मैंने, तो 1601 मेरे को मिल गया, क्या मिला, रेनॉल्ड नंबर। अभी चूंकि 1601 मेरे को मिल गया, तो क्या होगा, ये हमारा होगा लैमिनार फ्लो, ठीक
है, लैमिनार फ्लो होगा। लैमिनार फ्लो, तो लैमिनार फ्लो के लिए मैंने बताया है क्या होता है, ये हमारा लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू 64 बाई रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एफ लैम्डा की वैल्यू, तो ये मेरे को मिल गया। अब जो मेरा जो इक्वेशन है, क्या जो मैंने लिखा था, एच एफ इज इक्वल टू लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2 GD। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज मैं रख दूंगा तो क्या होगा, 0.04, ठीक है, एल की वैल्यू, ठीक है, 45, एंड वी की वैल्यू, वी है 1 डिवाइडेड बाई 2, 9.8G1 की वैल्यू, और डी, तो मेरे को एच एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.612 मीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो चूँकि ठीक है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अ पाइप 1 मीटर डायमीटर एंड 15 किलोमीटर ट्रांसमिट पावर ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द पाइप इज 0.005, कैलकुलेट द हेड लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक पाइप है जिसका डायमीटर जो 1 मीटर डायमीटर है और 15 किलोमीटर की लंबाई है, वाटर ट्रांसमिट करता है किस वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.005। अब हमको क्या निकालना है, हमको हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस के लिए ये जो मेरा फॉर्मूला है, 4CF LV² / 2GD, अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ पे डायरेक्टली फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं देती तो उसमें डेंसिटी वेलोसिटी डायमीटर वगैरह देता, पहले हम उसका रेनॉल्ड नंबर चेक करते हैं, बट यहाँ पे चूंकि डायरेक्टली दे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 4 × F की वैल्यू हमको पता है 0.005 दिया हुआ, लेंथ हमको पता है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जिसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 के मतलब कितना होगा, 15,000 मीटर, इंटू वी, वी कितना है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × 9.81 इंटू डायमीटर है हमारा 1, ठीक है। तो इस पूरे को मैं जब सब्सिट्यूट करूँगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, 15.2129 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। ये क्यों, एक और प्रॉब्लम है आर के बंसल का, ठीक है। ये आर के बंसल एक प्रॉब्लम है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड अ पाइप डायमीटर 300 mm एंड लेंथ 50 मीटर। हमें हेड लॉस फ्रिक्शन के कारण फाइंड करना है एक पाइप जिसका डायमीटर 300 mm है और लेंथ 50 मीटर है, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप फ्लोइंग थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाटर की जो वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकेंड, यूजिंग डॉर्सी फार्मूला चेजिस फार्मूला। तो चेजिस फार्मूला को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो डार्सी फार्मूला से इसको कैसे फाइंड करना है उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो डायमीटर डायमेंशन जो चीज़ें दी हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 30 mm दिया हुआ है, तो 0.3, लेंथ 50 मीटर, वेलोसिटी 3 मीटर, ठीक है। चेजिस कॉन्स्टेंट वो मैं बताऊँगा जब चेजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। काइनामेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो काइनामेटिक विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, 0.01 स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक बराबर कितना होता है, मैं आपको क्लास में बताया था, एक स्ट्रोक बराबर होता है 10^-4। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये म्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0.01 × 10^-4 m² per second, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डार्सी फार्मूला है वो क्या है, ये है हमारा डार्सी फार्मूला, 4FLV² × T × 2G। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू नहीं दी हुई, तो एफ के निकले अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको पहले रेनॉल्ड नंबर से चेक करना पड़ेगा फ्लो टर्बुलेंट है कि नहीं है, ठीक है। यदि एफ की वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्टली कर लेते, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सीधा रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू जो मैंने बताया दूसरा फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला तो ये होता है रो वी डी इज इक्वल टू म्यू, दूसरा फार्मूला क्या होगा, नीचे चले जाएगा तो म्यू बाई रो हो जाएगा, तो म्यू बाई रो क्या होगा हमारा, ये क्या होगा पूरा, ये हमारा क्या होगा पूरा, ये हमारा होगा काइनामेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा हुआ है, वी बाई डी इंटू म्यू, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी को रख दिए, वेलोसिटी कितना है हमारा, ए सॉरी वी रख दिए, वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर रख दिए, डायमीटर दिया हुआ है 0.3, तो 0.3 रख दिए, डिवाइडेड बाई काइनामेटिक विस्कोसिटी, तो काइनामेटिक विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 0.01 × 10^-4, तो इसको मैं रख दूंगा तो रेनॉल्ड नंबर में कितना मिल गया, 9 × 10^5। अब ये क्या है, देखो ये ज़्यादा है, ये आपका 4000 से ज़्यादा है, तो 4000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 4000 से ज़्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में मैंने फॉर्मूला बताया है 0.079/Reynolds number^(1/4) होता है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब इस वैल्यू को पूरा रख दूंगा, ठीक है।
इस वैल्यू को मैं पूरा रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस सबको फिर से मैं इसी क्वेश्चन में रख दूँ, ठीक है, इसी को फिर से मैं क्वेश्चन में रख दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये पूरे वैल्यूज़ को मैं सब्सिट्यूट करूँगा तो 4 × f, f है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा f मिल गया, × l, l कितना है हमारा 50, तो ये हो गया हमारा l, l हो गया हमारा 50, ठीक है, l हो गया 50 × v² v कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हमारा जो ये जो फॉर्मूला 2GD, तो डायमीटर इसने पहले लिख दिया है तो डायमीटर 0.3 × 2 × 9.81, तो हमको यहाँ से HF की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चेंजेस फार्मूला के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके बारे में फिर जैसा होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।